हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज आई एम मोहम्मद अवैसेम थर्ड ईयर एम बस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है जैसे काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि महाराष्ट्र की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो नोटिफिकेशन आ गया है आप चाहें एम बी के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे बी एम एस बी एच एम एस बी एम एस बी पी टी एच बी ओ टी एच बी एस एल पी बी पी एंड ओ किसी के लिए भी काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो सबका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुका है ऑलरेडी जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट थे मैंने वहाँ पर अपडेट भी दे दिया था जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें यहाँ पर डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस अपडेट रूल्स रेगुलेशन पूरे बताए जाते हैं तो जो लोग भी चाहते हैं वो काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पेड काउंसलिंग में जस्ट ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ का चार्ज है जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस रूल्स रेगुलेशन अपडेट प्रोसेस कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है तो जो लोग चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं तो अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हों गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हों या फिर कॉरपोरेट हों प्राइवेट एडेड हों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हों जितने भी मतलब महाराष्ट्र के अंदर कॉलेजेस हैं उन सबका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है और उसके लिए सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के पोर्टल पर कर देंगे उसकी डेट्स की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो सेवनटीन से ट्वेंटी थ्री अगस्त के बीच में आपको सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है लास्ट डेट जो है वो तेईस अगस्त दो हज़ार चौबीस आठ बजे शाम के तो इससे पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है आप चाहे एम के लिए कर रहे हो बी 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 के लिए बी पी टी एच अब इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट सब कुछ मतलब इसी के काउंसलिंग होगी स्टेट कोटा के लिए बेसा के लिए बात की जाए तो फिर उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करते ही आपको जो है फीस पेमेंट करना है फीस पेमेंट आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करते ही आप फीस पेमेंट कर सकते हैं तो इसकी भी डेट जो है वो सत्रह अगस्त से लेकर तेईस अगस्त दो रात को बारह बजे तक जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं ठीक है जिनका फीस पेमेंट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वही स्टूडेंट जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है वो भी है सत्रह आठ दो हज़ार चौबीस से तेईस आठ दो हज़ार चौबीस तो इस टाइम तक जो तीनों काम कर देंगे मतलब रजिस्ट्रेशन भी आपने कर दिया फीस पेमेंट भी और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए उन्हीं स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं द शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट कैप राउंड एम बी बी एस बी डी डी एस बी एम एस बी एच एम एस बी ओ एम एस बी पी टी एच बी ओ टी एच एंड कैप फॉर आयुष कोर्सेज विल बी डिक्लेयर्ड इन द ड्यू टाइम ये कह रहे हैं जो आने वाले राउंड्स हैं उनका टाइम जो है लेटर टाइम में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तो सब लोग वेबसाइट के साथ बने रहें कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्वेजिड ओरिजिनल स्कैंड डॉक्यूमेंट तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी ओरिजिनल स्कैन कॉपी अपलोड करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इट विल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट और ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में जो है उनकी स्कैन कॉपी अपलोड करें और सही तरीके से करें और चॉइस फिलिंग के लिए फेमिलराइज हो जाए कि कैसे चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है द कैंडिडेट शुड ऑल्सो एसरटे हिज हर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू वेरियस कॉर्सेज बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उनको देख लेना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो एप्लाइबल हैं भी या नहीं और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी बात की जाए तो एच टी टी पी एस सी टी सेल डॉट महा सी टी डॉट और जी इस पर आपको अपडेट मिलेंगे एम बी बी एस बी डी एस की काउंसलिंग से रिलेटेड भी और आयुष कोर्सेज से रिलेटेड भी तो ये जो नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग जो स्टेप्स रहेंगे आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है जो कि सत्रह से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस करना है ऑनलाइन गेटवे के थ्रू और फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फिर आप उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया था आफ्टर ऑनलाइन फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अ कैंडिडेट हैज़ टू प्रेस सबमिट बटन यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करना होगा ओनली हिज हर फॉर्म विल बी प्रोविजनली एक्सेप्टेड इन द प्रोसेस यानी अगर आपने फॉर्म सिर्फ भर दिया और उस पर सबमिट पर क्लिक नहीं किया तो आपको यहाँ पर मान्य नहीं होगा मतलब यहाँ पर डिटेल में बताया गया पूरे प्रोसेस को अ कैंडिडेट विल बी ट्रेड एज रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फीस यानी अगर आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा अ कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है ही और शी मे केयरफुली चेक एंड एडिट इफ रिक्वायर्ड यानी अगर कोई गलती होगी तो इसको आप चेक कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं यानी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो वैलिड देनी है और अपना जो है वैलिड पेमेंट करना है फिर उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसकी जो लास्ट डेट है मैं अभी बता चुका हूँ तेईस आठ दो हज़ार चौबीस सर्वर टाइम आठ बजे तक ठीक है फिर उसके बाद ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपलिकेशन फॉर्म एट द अर्एस्ट बस यहाँ पर सेम चीज़ बोलेगी कि सबसे पहले आपको जल्दी से जल्दी अपना जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट कर लेना है रजिस्ट्रेशन वाला और यहाँ पर जो सिक्स पॉइंट है वो इस रिगार्ड में है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कोई एजेंट या फिर साइबर कैफ़े वालों को पैसा दे देते हैं कि आप जो है हमारा रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट वगैरह कर दो तो बहुत बार ऐसा होता है कि साइबर कैफ़े की वजह से जो पेमेंट है वो कम्प्लीट नहीं हो पाया था और वो बोल देते हैं कि हो गया तो जो पोर्टल वाले हैं यानी महाराष्ट्र काउंसिल वाले वो तो मानेंगे नहीं जब तक सक्सेसफुल पेमेंट नहीं होगा तो ऐसे केस में ये जिम्मेदारी होगी वो स्टूडेंट की होगी कि वो क्रॉस चेक करे कि पेमेंट सही से हुआ है या नहीं आप जो है ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने कैफ़े वाले को पेमेंट दे दिया था तो जो भी हो आपको अपने तरीके से अपनी तरफ से पूरा सही करना है अब कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन यानी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पूरे डॉक्यूमेंट लगाने और जब डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन होगा उस टाइम पर भी आपके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट मस्ट अपलोड कलर्ड स्कैंट कॉपी ऑफ ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जो स्कैंट कॉपी लगा रहे हैं वो कलर्ड होनी चाहिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मांगा गया है बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि आप सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलर्ड हो या ना हो कैसा भी हो आप लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर कलर्ड है डॉक्यूमेंट साइज तीन सौ के बी से कम का होना चाहिए डॉक्यूमेंट मस्ट बीन पी डी एफ फॉर्मेट ओनली तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है पी डी एफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है तभी वो अपलोड होंगे अब इसके बाद जो मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन में जो फीस लगेगी आपकी वो कितनी लगेगी अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए तो इसके लिए अगर आपको जानना है कि डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के कितनी आपको फ़ीस जमा करनी है कौन कौन से कॉलेजेस हैं कॉलेजेस के नेम क्या हैं कॉलेजेस की फ़ीस क्या है गवर्नमेंट प्राइवेट तो पूरी डिटेल आपको इस पी में मिल जाएगी जो तीन सौ की ये पी है इसमें आयुष कोर्सेज़ का भी है बी एम का और उसके साथ ही एम बी बस और बी डी एस का भी है गवर्नमेंट प्राइवेट सबका तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे जितने भी स्टूडेंट महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं इसमें पूरे स्टेप बाय रूल रेगुलेशन सब कुछ दिया गया है अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फीस पेमेंट तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जब आप यहाँ पर आएंगे पेज नंबर ट्वेंटी फ़ाइव के आसपास ये पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पर तो आपको जो है ये इन्फॉमेशन मिल जाएगी कितना आपको फीस पेमेंट करना है ठीक है तो एम बी बस बी डी एस बी एम एस बी एच एम एस और बी ऐम एस में सेम तरीका है मतलब आपको उसमें एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टेट कोटा की मतलब स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वन थाउजेंड रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगा और अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा जो होता है महाराष्ट्र के अंदर उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पाँच हज़ार रुपये लगेगा और दोनों के लिए आप ट्राई कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट भी और इंस्टीट्यूट कोटा भी तो दोनों के लिए आपको छः हज़ार रुपये जमा करने होंगे वहीं अगर आप बीपीटीएच पीओटीएच बीएसएलपी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए तो मतलब स्टेट कोटा के लिए तो एक हज़ार ही है बाकी इंस्टीट्यूट कोटा के लिए यहाँ पर एक हज़ार ही है, और दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तब भी एक हज़ार है ठीक है तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस वगैरह और बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं तो पूरा राउंड वाइज पूरी डिटेल इसमें दी गई है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कौन कौन से कॉलेजेस हैं कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है तो वो सब भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल में इसमें दिया है सब लोग चेक कर सकते हैं इसके बाद आपकी कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं जरूर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तब तक के लिए थैंक यू